स्टूडेंट्स जोहार, हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रौरमन के पढ़ाव उपन्यास चक्री जे की रौरमनक इलेक्टिव कोर्स में पढ़े है। उपन्यास चक्री आज हम रौरमन के इकर विषय में बताब, इकर जे कहनी है उकर सारांश के हमरे आज जानब। तो आओ पढ़ब उपन्यास चक्री कर सारांश। चक्री उपन्यास बालमकुंद बड़ाइक कर लिखल है। चक्री एगो सामाजिक उपन्यास है जे कि 50 पृष्ठ कर है। चक्री नागपुरी का पहला प्रकाशित उपन्यास है, सेले इकर ऐतिहासिक महत्व है। कहे मतलब है इकर से पहले नागपुरी कर कोई उपन्यास प्रकाशित नहीं हुए रहे। उपन्यास कर कहनी काल्पनिक है। उपन्यास कर कहनी में जमींदार कर शोषण और अत्याचार के दिखावल जा है। मुदा समय कर चक्री से उकर सो बरवाड़ी बदल जाएला, खत्म हो जाएला और एगो साधारण आदमी नियर वो भी अपने के बनाए लेवेला। एहे ई उपन्यास में देखावल जाहे। उपन्यास कर कहनी भारत कर आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी कर बाद तक, जब जमींदारी प्रथा कर के सरकार खत्म करलक तब तक कर यहाँ वर्णन है। तो आओ पढ़ब उपन्यास कर सारांश। जमींदार कृपाल सिंह 5 गांव कर जमींदार रहे। आसे पासे कर गांव कर सब केउ जानत रहें कि उ एगो बड़का जमींदार है। उनकर बराबर कर जमींदार आसे पासे केउ नहीं रहें। कृपाल सिंह बड़ा निर्दयी और अत्याचारी आदमी रहे। उकर रैयत मन उकर अत्याचार से त्रस्त रहे। कृपाल सिंह का रोपा निमरल बेगर कोई गवैया आपन रोपा रोपी चाहे तो उकर बीड़ा उड़ाए जे। एहे बड़वारी में आपन बड़की बेटी निर्मला कर बिहा खूब धूम धड़ाका से करेक उ विचार करलक। सब गांव वाला के जिम्मेदार कर बेटी कर बिहा कर काम दिन रात करेक पड़त रहे। कहेक ले तो उ मन कर ले जमींदार हियाँ खाएक पिएक तिहा रहे, मुदा उतना उतना आदमी ले के पूरत है और के नहीं, कतना भूखे रह के काम करत रहें। बेगर खाले पीले रात दिन बिहा कर तैयारी में सब कोई लागल रहें। सुखल महतो कर बेटा बीमार रहे तो वो काम करे नहीं जाएला। जमींदार अपन लठैत से उके जूता मरवाला, सामान सहित पूरा परिवार के गांव से बाहरे करवाए देलक। उकर खेत पर कब्जा कर लेलक और उकर घर के ढाह देलक। ई घटना से गोटा गांव कर आदमी एकदम से डराए गेलन। एहे नियर गांव कर जे छेउर रहे उकर मरम्मत करल जात रहे, जेके पक्का सड़क से जोड़ेक रहे और इकर ले रास्ता बनवाए कर ऑर्डर जमींदार देलक। छेउर कर दुयो पखारी कर खेत कर माटी के कोइड़ कोइड़ के सड़क बनावे लागलें। बेचारा रतन महतो कर खेत भी छेउर कर किनारे रहे, अब उकर खेत से माटी कोड़े लागलें। रतन महतो गोबर बीच के अपन खेत के मनियाए रहे, उ अपन खेत के कोड़ेक से मना करलक। तो जमींदार कर लठैत अपन लाठी से उके माए के मुराय देलें। जमींदार कर डरे गांव कर आदमी अपन कतनो जरूरी काम रहत रहे उके छोड़ के जमींदार कर बेटी कर शादी में कतिहा में लागल रहे। बड़ा धूम धड़ाका से बिहा होलक और शादी निमरलक, तब गवैया मन का जान बाजलक। उ मन के लागलक कि काल भागलक। एहे नियर समय बीतत रहे। गांव कर गरीब रैयत मंगरा कर बेटा लालू रांची में कॉलेज में पढ़त रहे, उ गांव आए रहे।
जमींदार कर ड्योढ़ी कर आगे से लालू जूता पिंध के पार हो गल। इकर से जमींदार बड़ा खिसालक काले की नियम बनाए रहे कि उकर ड्योढ़ी कर आगे से केव जूता पिंध के चाहे छाता ओढ़ के पार नहीं हो सकत हैं। तुरते लालू कर बाप मंगरा के बोलालक, तले लालू और उकर बाप कर पीठ में 10 जूता गिन के मरुआलक। जमींदार कर बेटा सीताराम के ई नहीं सहालक, उ अपन बाप के ऐसन करेक से माना करलक। मुदा जमींदार कह दलक कि जमींदारी कर काम में तोहरे टांग नहीं अड़ावा। समय बीते लागल, जमींदार कर मझला बेटा सीताराम और छोटकी बेटी बसंती हो रांची में पढ़े के लिए गेलें। दुयो भाई बहन एक ठो किराया कर घर ले के रहे लागलें। उ मन कर सेवा और काम करे के लिए एक ठो पुरना धांगर बुधुआ रहे। सीताराम कर कॉलेज में नाव लिखाए रहे, उहे कॉलेज में लालू हो पढ़त रहे। लालू सरकार कर कल्याण विभाग से खोलन हॉस्टल में रहत रहे और जे छात्रवृत्ति उके मिलत रहे उकरे से उ अपन खर्चा चलात रहे। लालू बड़ा बुद्धिगर रहे, जे भी लुगा फटा रहे उके बड़ा साफ सुथरा पहन के पिंध के जात रहे। बड़ा जुगत से अपन छात्रवृत्ति कर पैसा से अपन खर्चा चलात रहे। लालू पढ़े में बड़ा तेज रहे, कॉलेज कर प्रोफेसर मन उके बड़ा मानत रहें। संगे संगे उकर गरीबी हालत के हो जानत रहें, सहेले उकर पढ़ाई में हो मदद करत रहें। लालू कर नाम कॉलेज में चमकल रहे, सौ वाद विवाद प्रतियोगिता में उ आगे रहत रहे। सहेले कॉलेज में सीताराम लालू कर नाम के जानलक और एक दिन लालू से मिले के लिए उकर हॉस्टल गेलक। उ डरात रहे कि लालू उकर से काजानी कैसन व्यवहार करी, काले कि उकर सामने जमींदार लालू के जूता मरवाए रहे। शायद लालू इकर बदला लेवी, मुदा लालू उकर से बड़ा खुशी खुशी मिललक और पढ़ाई में सौ तरह से मदद करे बात कहलक। एहो कहलक कि तोर स्वभाव तोर बाप से अलगे है। धीरे धीरे सीताराम और लालू का दोस्ती हो गेलक। सीताराम और उकर बहिन बसंती लालू से मिले उकर हॉस्टल जात रहें और लालू हो ई मनक डेरा आवत रहे, जेके धांगर बुधुआ बेस नहीं पतियात रहे। उ नहीं चाहत रहे बेटा बेटी लालू से दोस्ती करें, सेले दोस्ती करे के लिए मना करत रहे। मुदा लालू जैसन बुधगर से दोस्ती दुयो भाई बहन के बड़ा बेस लागत रहे। एहे बीच सरकार बट से सौ कर जमींदारी खत्म करे घोषणा होलक। जमींदार कृपाल सिंह अपन एहे काम कर चलते रांची आए रहें। से बेरा लालू के अपन छुआ मनक संगे एके थारी में पकौड़ी खाते देखलें, चाह पीते देखलें। इकर से उनके बड़ा रोष खीस लागल। उ छुआ मन के लालू से दोस्ती नहीं राखे के लिए कहलें, मुदा सीताराम और बसंती उनकर बात के नहीं मानलें और उमर लालू से दोस्ती रखलें। दसई पर्व कर छुट्टी में लालू बसंती और सीताराम तीनों संगे घर गेलें। जमींदार कर देवरी ठीन जतरा लागत रहे, सीताराम लालू के जतरा देखे ले बुलाए रहे, मुदा लालू नहीं आलक। काले कि उ जानत रहे कि गांव कर गरीब रैयत मंगरा कर उ बेटा है और गवैया मने उके जमींदार कर बेटा बेटी संगे देखबें तो उकर दूसर माने निकलाबें कि कॉलेज में पढ़े ला तो अपन औकात भुलाए गेलक और उ बहाना बनाए के जतरा देखे नहीं गेलक। धीरे धीरे समय बीते लागल, एहे बीच लालू डॉक्टरी पढ़े लागल। दुई बरिस बाद बसंती हो मेडिकल को पढ़े के लिए उहे कॉलेज में आ गेलक। पहले तो कृपाल सिंह बेटी कर मेडिकल पढ़ाए के लिए राजी नहीं होलें, मुदा बसंती कर जिद और सीताराम कर समझाए से राजी हो गेलें।
डॉक्टरी पढ़े चारे लालू और बसंती संगे संगे रहत रहे। लालू बसंती के पढ़े में सहायता हो करत रहे। बसंती कर नज़र में लालू बड़ा बुद्धिगर गुणवान सुशील छोड़ा दिसत रहे। उ जानत रहे कि लालू एक दिन बड़ा नामी डॉक्टर बनी। उ मने मन लालू के पसंद हो करे लागल। एहे बीच बसंती कर बड़ बहिन कलावती कर बिहा होवेला। बिहा साधारण तरीका से होलक। ई बेरा लालू गाँवे में रहे मुदा गोड़ में चोट लाई है इकर बहाना बनाए के बिहा में नहीं आलक। सीताराम भूगोल में एमए पास करलक। बाद में एगो कॉलेज में प्रोफेसर बन गेलक। एक बरिस बाद लालू हो डॉक्टरी पास कर गेलक। एहे बीच कृपाल सिंह कर जमींदारी चल गेलक। उकर से जे पैसा मिललक उकर से सीताराम अपन बाप के समझाए के एगो मेडिकल दुकान खुलवाए और कहेला कि लालू हियाँ डॉक्टरी का प्रैक्टिस करें। उ समझाला कि जे पैसा मिल है उके अगर हमरे दुकान में लगा देव तो हमर फिर से आमदनी शुरू हो जाए। लालू भी मान गेलक। उ भी हुआ डॉक्टर बन गेलक। लालू कर नाव उकर गुण कर चलते चारो चरगुदी पसरे लागलक। जे बेमरिया कहों बेस नहीं होत हैं उके लालू बेस कर देवेला लोग ऐसन कहे लागलें। लालू अपन कमाई से अपन माय बाप कर भी खूब मदद करेला। अपन भाई बहन मन के बढ़िया से पढ़ाएला। सब कोई बढ़िया बढ़िया नौकरी करे लागलें। घर के हो नवा बेस तेर बनवाए दिलें। खेती बाड़ी के हो बढ़ाए दिलें। आप मंगरा कर हो नाव गांव में आदर से लेवल जाए लागल। लालू बसंती के हो दवाई दुकान में जन्ही बेमरिया मन के देखे के लिए कहे लागल। सीताराम से पूछ के बसंती हो दवाई दुकान में लेडी डॉक्टर कर रूप में काम करे लागल। अचके एक दिन जान लें कि जमींदार कृपाल सिंह के लकवा मार दे है। उनकर इलाज करे के लिए लालू जी जान से जुट गेल। और जब तक बेस नहीं होलें बीच बीच में गांव जाए के उनकर इलाज कर लें। जेकर से लालू के आप कृपाल सिंह बहुत इज्जत करे लागलें। उनके एहो बात कर खुशी होला कि उनकर डॉक्टरी पढ़लक ई बहुत पुण्य कर काम होला। सीताराम कर हो ई बीच में शादी होला। बसंती हो डॉक्टरी पास कर गेलक। आप पूरा समय उ लेडीज बेमरिया मन के देखे लागलक। दवाई दुकान के ई मन अब बड़ अस्पताल बनवाए ले रहे जेकर नाम सहयोग फार्मेसी राखल रहे। सीताराम कर बहुरिया के लालू का स्वभाव बड़ा बेस लागत रहे। उ ई बात के लिख लेलक कि उकर ननद बसंती लालू के पतियाएला। लालू हो बसंती के पसंद करत रहे मुदा उ जानत रहे कि ई शादी नहीं हो सकेला। काले कि कहाँ जमींदार कर बेटी बसंती और उ कहाँ उकर रैयत मंगरा कर बेटा। दुयो कर जायत भी अलग रहे से ले उ अपन मन कर बात देखो नहीं कहत रहे। बाद में सीताराम के उकर बोहरिया ई बात के बता ले। सीताराम अपन बहिन कर खुशी में अपन खुशी देखेला और सीताराम कृपाल सिंह से लालू और बसंती कर बिहार कर बात कर ले। पहले तो जमींदार एकदम से खिसाए गेलें और नहीं पतिया लें मुदा धीरे धीरे सीताराम उनके समझाए के मनाए ले। कृपाल सिंह समय कर चक्री कर संगे अपने के बदल लें और लालू कर बाप मंगरा के बुलाए के अपने हैं अपन बेटी कर बात बिहा कर बात कर लें। मंगरा के इज्जत दिलें और अपन संधि मान लें। कृपाल सिंह खुशी खुशी अपन बेटी बसंती कर बिहा लालू से कर लें और अस्पताल कर नाम सहयोग फार्मेसी से बदल के बसंती सिटी नर्सिंग होम राख दिलें। ई
अस्पताल बसंती के अपन बाप बट से बिहा कर आशीर्वादी में भेटालक। ई होलक कहनी चक्री उपन्यास कर। तो आज हमरे पढ़ली चक्री उपन्यास कर कहनी का सारांश। तो आज ले इतने। धन्यवाद।